तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली हमारा देसी कूलर बन के रेडी हो गया। तो दोस्तों सारी बातें इसमें से निकाल लेती हूँ। पूरी पाक में सन गई है नकांती चौहान जी। इधर देखिए कैसे उधर दोस्तों देख सकते। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब आदमी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। अभी देखिए दोपहर में मतलब 12 बजने वाला है, इतना तेज धूप निकला है ये कोई भी नहीं सूत रहा। देखिए उधर विकास है, इधर विजय है, आकाश उधर बाहर गए हैं। अभी देख पापा देखिए कपड़ा पूरा भींज गया है इधर क्योंकि गर्मी से। ऐसा आज नहीं सोया तो मैं कल साटा में भी नहीं जाऊंगा। साफ बोल रहा हूँ। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इधर जो पंखा है तो उसी में इधर मोरी के पानी जाता है, तो यहाँ पर बाल्टी में एक पानी रखेंगे। इधर देखिए विजय का बना रहे हैं। और दोस्तों एक चीज बता दूं, नींद में मैं रहता हूँ तो अच्छा सा ब्लॉग भी नहीं बना पाता, मेरा यूट्यूब फैमिली माफ करे, क्योंकि बाप रे इतना परेशानी होता है। 2 दिन लगता है अगर आदमी जग जाए और उसके बाद कैमरा में बोलना हो तो क्या काम रूम से निकलेगा मेरे, कितना अंदर से अपना ओ, हाँ तब जाके बना पाता हूँ। आप लोग का आशीर्वाद से आप लोग को अच्छा लगता है के उसके लिए दिल से धन्यवाद। हाँ तो चलिए दोस्तों अभी ऐसे अच्छा कमेंट कीजिए। अच्छा मतलब बहुत कुछ हम लोग धीरे धीरे सीख के आप लोग को, आप ही लोग से रियल लाइफ ब्लॉग के थ्रू और नगांती सुनील चौहान ब्लॉग के थ्रू सब दिखाएंगे जीवन में जो जो भी हमारे साथ गुजर रहा है। और आगे अगर भगवान जी की कृपा से आप लोग का आशीर्वाद से हम लोग बने भी कुछ तो भी वैसे ही दिखाएंगे जैसे आप लोग। हाँ, घमंड तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्तों आप ही लोग का आशीर्वाद है। आप लोग से हमेशा आशीर्वाद मांगते हैं कि कभी बड़ा आदमी भी बन गए भगवान जी की कृपा से, घमंड ना आए, ऐसा आशीर्वाद आप लोग देते रहिए, बनाते रहिए कि हमारे दिमाग में कभी ऐसा कंफ्यूजन ना आए, ऐसा अच्छे अच्छे सीखें बात करना और ब्लॉग बनाना। अब बाकी तो आप लोग देखते ही हैं। तो चलिए दोस्तों अभी इसको मैं क्या क्या बनाता हूँ वो सब भी दिखाएंगे और देखता हूँ सक्सेस होता है कि नहीं। दोस्तों देखिए कैसे तार करके बांध दिए हैं, सक्सेस। अब चला के देखिए ना, तब तो चलाइए बाल्टी में पानी लेकर। इतना तेज अगर इधर विकास बैठा है, इधर बिजली बैठा है, हम लोग यहीं बैठ के। और पंखा बंद हो गया तो और हवा अभी नहीं चल रहा ना, हवा अभी नहीं चल रहा इसी से और ज़्यादा तेज से गर्मी हो रहा। दोस्तों देख सकते एक बाल्टी पानी भी जगह ले आके उसी में डाल दिए हैं। जो बर्तन है उसमें पाइप डाल रहे हैं, देखिए का कैसे कैसे बना रहे हैं। अभी चेक कर रहा हूँ, नहीं है कुछ तो क्या करे, कूलर 5-6 हज़ार से नीचे को मिलेगा ही। कबाड़ी में जाके ढूंढ ढूंढ के, कबाड़ी में भी बीजे पापा भी गए मिल जाता कूलर। हाँ। का पुरान पुरान मैं उसमें सारा मोटर वोटर फिट करके ओके कर लेते। तो बीजे भी गए थे, विजय के पापा भी गए हैं तो नहीं मिला, तो फिर विजय दूसरा जगह गए तो वो भी पता करके आए हैं तो वहाँ पर भी नहीं मिल पाया। हम लोग ऐसे ही अभी नया खरीद नहीं पा रही हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। तो लाइट चाल दे रहे हैं, देख सकते हैं। देखिए जी चलने लगा मोटर, पानी भी देखिए से गिरा तो इधर से थोड़ा ठंडा हवा निकलेगा क्योंकि तार भी थोड़ा सा खराब हुआ था, अभी टेप नहीं मारे हैं विजय कुमार। चेक हाँ देखिए तार तार थोड़ा खराब था तो उसी समय से रुक गए तार सही थी। हाँ यहाँ पानी या कूलर हमारा देखिए कैसे है, देसी कूलर। आप लोग कमेंट बताइए कैसे लग रहा है, थोड़ा यहाँ पर हवा चल रहा था, हम लोग यहाँ पर खर्चे जो है इसको खींच के यहाँ पर ले आएंगे, थोड़ा आराम करेंगे। वो बाल्टी वहीं पर रखने वाला हूँ, उसी से खींचेगा और उसी में गिरेगा। अभी टेप मार के, हाँ अभी बंद करके टेप मारेंगे। आकाश उठे पढ़ रहा चप्पल खोलता होगा। तो दोस्तों सारी बर्तन इसमें से निकाल लेती हूँ, शाम
बाल्टी में रखे हैं बीजे को पानी भर के, अभी बड़ा वाला देती हूँ वहाँ पर रखने के लिए, उसमें अभी पानी गिरेगा और उसमें मोटर डाल देंगे। देख सकते हैं कैसे उस बाल्टी में से निकाल के, इसमें पानी कम है तो ये भी पानी डाल दीजिए उसी में थोड़ा सा है। अभी खटिया बिछाते हैं, आप सोच जाइए हम लोग बोला बिछा के यहीं पे बैठते हैं क्योंकि थोड़ा अथी कुर्सी उठा कर रखा था घर में, उधर गया था सोने के लिए नीचे के रूम में, तो उसका मोटर वाला पंप खराब है पानी नहीं उठा रहा, हमने सोचा उसको खोल वोलूंगा नहीं क्योंकि वो पूरा अभी बंद है, तार और कट करके लगाना पड़ेगा तो वो लोग आएगा तो अभी ना। तो चलिए हम चलिए, अभी हो गया, अभी चेक करते हैं थोड़ा कितना नॉर्मल करता है कि नहीं हवा। हाँ देख सकते पंखा भी नहीं चल रही ना, हाँ तो लेकर फिट कर देंगे। अरे ठंडा हवा देता जी, कितना अच्छा देखे इतने सीटा, सीटा भी नहीं पड़ रहा ना, हाँ पानी भी छीटा नहीं जाए। चलिए खर्चिया हम उठा के बाल्टी में ही गिर रहा ना, हाँ सही दे रहा ना, हाँ सही दे रहा है। हाँ नीचे जो पानी गिरा था चल जाएगा दोस्तों, कहाँ जाएंगे कुछ चाहिए क्या? हाँ ये रखिए ठीक है, इसमें बांध के मैं चलिए चलिए। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी कैसे कर रहा है आराम से, जैसे जितना है उतना ही मैं खुश रहने का कोशिश नहीं खुशी है, और बहुत मस्त नॉर्मल हवा हो गया है। इधर देख सकते हैं दोस्तों कौन सी डिजाइन से किया हुई, इधर देखिए पानी बाल्टी में ही गिर रहा, खत्म नहीं होगा, कूलर का ही एकदम उससे भी ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया ना। अब यहीं पे अपना बच्चे के साथ आराम से मैं इधर ले जाता हूँ, आप लोग भी यहाँ पे आराम से लेट लो। जो आप लोग बता रहे थे इस पे घास बिछाने के लिए, तो थोड़ा वो काम से मैं फ्री होता हूँ साटा वाला, क्योंकि वो सब काम समझ सकते हैं दोस्तों, तीन दिन जगूंगा तो दो दिन तो मेरे से कोई काम ही नहीं होता, दिमाग खराब रहता है ऐसी नींद में, तो इस साल फ्री होता हूँ दो तीन दिन का गैप मिलता है तो काट के लिया किसी अपने हाथ से बिछाऊंगा, वो सब भी आपको दिखने को मिलेगा ब्लॉग में। अभी बताइए कि दोस्तों ये सिस्टम कैसा है। तो देखिए बढ़िया हवा दे रहा है मगर यहाँ से थोड़ा सा धूप आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ से लाइट है, खोल दीजिए। हाँ मैं चल रही हूँ, बीजे चल रहा है ऊपर करकट पर, मैं इसको जो इधर खड़ है वही ऊपर दे देती हूँ, ऊपर फेंक दो थोड़ा ठंडा रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली हमारा देसी कूलर बन के रेडी हो गया है, और कितना ठंडा हवा फेंक रहा है कि एकदम अभी टीन का कमरा नॉर्मल हो गया, मशीन रहता तो चेक करके दिखाता टेम्परेचर दोस्तों, अब बहुत मस्त कामयाब हो गया व्यवस्था। ये पंप में दिल्ली में वो कबाड़ी में से कूलर वूलर खरीदा था वहीं से ले आया था, इधर देखिए वो जो पाइप दिख रहा होगा दोस्तों उधर रख दिया हूँ, पार कर दिया हूँ उसमें से, उधर से थोड़ा थोड़ा हवा आएगा क्योंकि वो पूरा पेक है समझ सकते हैं, तो इधर उधर से हवा फेंकेगा, वो भी दिमाग लगाया। तो आप लोग बताइए दोस्तों कैसा है, थोड़ा बहुत बच्चों को राहत मिले इसीलिए ये व्यवस्था बना दिया, और कोई दिक्कत नहीं है, पानी भी बार बार नहीं डालना होगा। देखिए दोस्तों बाल्टी में ही पानी ऊपर से गिर रहा है और पंप उठा के इसमें डाल रहा है, और दोस्तों एक चीज़ और दिखा दूँ इधर देखिए, ये देखिए पानी इसमें गिर रहा है, चारों बगल उसमें फैल के बूंदे बूंदे गिर रहा है, और देख सकते कितना मस्त व्यवस्था है। तो मैं सोचा गर्मी से परेशान होकर कुछ ना कुछ व्यवस्था बना दूँ, अभी नॉर्मल हो गया, अब थोड़ा सा और रेस्ट कर लेता हूँ। नागांती चौहान जी उधर गई हैं, थोड़ा सा खर और है तो उसको कह रही हैं कि मैं कहाँ हो जी, इधर देख सकते हैं दोस्तों उसको बोल रहे हैं कि वहाँ रखा है, उससे अच्छा मैं टीन पे ही रखवा देता हूँ, तो उसको बांध ले रही हैं, और उसके बाद बीजे को भेजिएगा ऊपर रख लेगा, और थोड़ा थोड़ा दीजिएगा यहीं पे कोना में रख दीजिए, फिर आराम से वैसे पानी डाल दीजिएगा, मैं काम पे भी जाऊंगा तो थोड़ा बहुत चला के आराम कर लिया करिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी खर कैसे ले आके बांध रही है, इधर देखिए बीजों पे चढ़ा दिए, क्योंकि दोस्तों उस दिन टीन जब वो हवा में उधिया गया था ना आंधी में, तब से थोड़ा बहुत अलग डिजाइन का हो गया, इसीलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा नहीं चढ़ते हैं, पता चला कि टीन लेके आ गए नीचे, तो ये भी हाँ उधर रहिए लीजिए खींच लीजिए, कोई नहीं और आगे आ सकते हैं आप, आपका उतना वजन नहीं, उठा के वहीं पर रख दो,
इतने थोड़ा थोड़ा दीजिएगा। चलिए दोस्तों अभी ये हो गया, अब बाकी खर उधर से काट के ले आएंगे, अभी बहुत हुआ है उधर, पूछ लिए हैं तो इस पर टाटी सा बांध के रख के उसको ऊपर से जाम कर देंगे तो धूप गर्मी कट जाएगा हमारा, फिर तो ठंडी आ जाएगा बारिश के टाइम में। तो देख सकते हैं अभी ये जो ये देखिए यहाँ पे मैं नहीं चढ़ सकता, समझ सकते हैं इसीलिए मैं विजय को चढ़ा दिया हूँ आराम से। फिर भी बेटा जिधर रहें डाउन लग, हाँ रह दीजिए, बस हो गया ठीक है। अब बहुत मस्त हवा दे रहा है दोस्तों, कूलर भी फेल है इसके आगे एकदम, क्योंकि इसमें घास उसकी ज़रूरत नहीं है, बाहर से हवा खींच के इधर पानी गिर रहा है समझिए बरसात जैसे, और पूरा चारों बगल छीटा छीटा बूंदा बूंदा सा गिर रहा होगा देख सकते हैं दोस्तों। अब बाल्टी में ही गिर रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर गिर रहा है तो उधर उसके जरिए चला जा रहा है, जिधर सब्जी रोपे हैं वो भी काम हो जा रहा है। और देख सकते कितना देर हो गया चलते हुए, फिर भी पानी अभी उतना का उतना ही है। चलिए थोड़ा हो गया सब, अब बच्चे के साथ यहाँ पर आराम करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर विजय विकास आकाश तीन भाई केस कटवा के आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर तभी इतना छोटा छोटा नहीं कर रहा है, मगर देखिए दोस्तों ये सोच रहा हूँ कि इतना पहले से मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं, अब बच्चे परेशान हो रहे थे, बाकी में बहुत मस्त हवा दे रहे हैं ना, तबियत नहीं है कितना काम किया तो बिल्कुल पसीना खत्म हो गया, तीन है दोस्तों फिर भी एकदम कर दिया बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया है। अब इधर ये सब व्यवस्था जो है हाँ, तार काम करने सारा व्यवस्था बढ़िया से बना दूंगा ना, स्विच लगा दीजिए, स्विच लगा दूंगा इसमें हाँ। पानी डाल देंगे और चालू कर दीजिएगा ना आराम से, फाइनली हम आ चुके हैं किचन में। चलिए अब किचन में सारी सामान हटा के इसको यहाँ पे देखिए, मेरे आकाश विकास विजय तीनों भाई मिर्ची लेके आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर नीचे से लेवर लगेंगे। चलिए पहले सब सामान यहाँ से निकाल के हटाती हूँ, अब बच्चे हमारे माटी लेके आ रहे हैं। तो देख सकते सारे सामान हटा चुकी हूँ यहाँ से, खाली कर दी हूँ, झाड़ू मारूंगी इसको। और यहाँ पर देखिए मिट्टी है और क्या बोलते हैं इसको भूसा, जो धान के भूसा, तो इसको भी लेकर एक मिक्स करके आज इधर से सब इसको बंद करूँगी। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी नगांती जी लेट किए बगैर इधर देखिए मिट्टी और भूसा सान के नीचे भी लेवरना शुरू कर दिए हैं, और नीचे देख लिए दोस्तों टॉर्च बार के सांप तो है नहीं, कैचुर के और छुरा था ना, एक बार और रुकिए जी देख लेते हैं। अब इधर देखिए बीजे विकास आकाश तीन भाई मिट्टी ले दे रहे हैं, अपने हाथ में सुरक्षा है दोस्तों, अब बाकी तो भगवान जी की मर्जी होता ही है ना, हाँ तो अपने से भी स्वतंत्र रहना चाहिए, आप ही लोग से सीखे हैं। चलिए अभी मिट्टी लेवर लेते हैं, उसके बाद बाहर भी चलेंगे, उधर से भी मिट्टी लेवरेंगे पहले अंदर से, जो हाँ वहाँ जहाँ से सुराग है ना उसको बंद कर दीजिएगा, इधर भी है थोड़ा सा। तो दोस्तों कमेंट में बताइए कि अच्छा काम किए कि नहीं, हम लोग सोचे थे कि ऐसा कुछ हादसा होगा नहीं ना, तो इसीलिए छोड़ दिए थे, नहीं तो बहुत पहले ही कर दिए होते हैं। और दोस्तों देखे होंगे ब्लॉग में उस दिन से हम लोग जब से ये किचन उचन बनाए हैं, पता ना अचानक क्या हो गया, ना कभी वो सही रहती है ना कभी मैं, सुबह से मेरा पूरा शरीर में दर्द हो रहा है, दवा दो खुरा एक सुबह खा लिया था एक खुराक अभी खाया हूँ, अचानक इतना दर्द से हो रहा है, पता ना नींद ना पूरा होने की वजह से कि गर्मी की वजह से कि मौसम चेंज होने की वजह से, कभी इतना तेज हवा चल रहा है इधर कभी कुछ, एक तो हम लोग रोड के किनारे हैं दिन भर धूल मिट्टी समझ सकते, चलिए सही हो जाएगा सब, भगवान जी का आशीर्वाद रहेगा ठीक हो जाएगा, और आप लोग भी अपना आशीर्वाद बनाए रहिए। चलिए फाइनल अभी ये मिट्टी लेवर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं गर्मी से गर्मी हालत खराब हो गया है, इधर देखिए इस अंदर में कैसे कैसे रिपेयरिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ पर इधर से अथी कर दी हूँ कैसे कैसे बना रही हैं अभी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी थोड़ा सा इधर साइड देखिए इधर चूहा भी है देख सकते हैं अभी है, हाँ एक चूहा है बैठा है वहीं पर, देखिए हम हाथ इधर देखिए कैसे चूहा झाँक रहा है, आप लोग देख सकते हैं कैसे चूहा, इधर उधर भी माटी लगाना है, अब देखोगे हाथ बाजार हुआ है हमारा, आज देख सकते हैं दोस्तों पसंद ऐसा कैसे हमारा हालात खराब हो गया है मोबाइल।
दोस्तों देख सकते हैं, एक तो निकाल के फेंक चुकी हूँ वहाँ पर, देखिए दूर यहाँ भी छोटे छोटे टुकड़े इधर है। आप लोग बोल रहे केचुआ का होते हैं, तो जो सांप का चूहे जैसे छोड़ता है ना, वही है। चलिए इसे बाहर फेंक दो, तब तक मैं इधर आराम से फेंक दे रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी पूरे पार्क में सन गई है नकांती चौहान जी। इधर देखिए कैसे उधर बैटरी वाला लाइट जला ली है, इधर पूरा लीप रही है कि कोई दिक्कत ना हो। हाँ जहाँ जहाँ खर है लिख दी है ना। चलिए अब पूरा लीप लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं सर। ये देखिए चूहा है ना, कोई नहीं, सांप का वो भगवान का मर्जी जो होता है वही होता है, लेकिन फिर भी अपने से सब सही रहेगा तो सही है ना जी। लोग पलानी के घर में कैसे गुजारा कर रहे, हम लोग तो फिर भी इतना कर लिए हैं दोस्तों, आप लोग देखे होंगे वीडियो में, और फिर भी किए ही जा रहे हैं। गर्मी के मारे थोड़ा समझ सकते हैं, ज्यादा कुछ घर में अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। और ये देखिए मुँह पूरा भीग गया नगादी चौहानी का। थोड़ा सा मौसम अभी नॉर्मल होता है, बहुत कुछ काम करेंगे, काम तो कर ही रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। साटा में दो तीन दिन जगता हूँ तो एक दिन तो मेरा ऐसी बेच जाता है सोने में, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाता हूँ। बाकी चलिए अभी हो जाता है, उसके बाद क्या क्या खाना बनाएंगे वो भी ब्लॉग में दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हो गया, माटी से इसको नीचे तो सभी रिपेयरिंग कर दी हूँ, देख सकते हैं सब जैसे ऊपर पलस्तरा की हूँ उसे नीचे इसे सब पलस्तरा कर दी हूँ। अब इस पर आ गए हैं, इसको थोड़ा सा कर देती हूँ। एक जो भी पैसा मिलता है तो थोड़ा सा सीमेंट बना के इसको गोला मारवा दूंगी, पानी से खराब नहीं होगा। तो देख सकते हैं विजय के पापा भी दुआर कितना अच्छा सफाई कर दिया, हम घर में काम कर रही थी तो सब झाड़ू लगा दी। मेरा मोबाइल हैंग मार वीडियो कैसा बना, पुराना वाला है ना इसी जिसे मैं अपना वीडियो बना पाऊँ। हाँ तो अभी दिखाती हूँ लाइट तंजोर उतार रहा सब लाइट कटा हुआ है, तभी दिखाती हूँ आप लोगों को किचन कैसे कर दी हूँ, उसी समय से उसमें लगी थी। दोस्तों देख सकते हैं हमारा किचन कितना अच्छा बना चुकी हूँ, शाम हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं सारी फिनिशिंग कर दी हूँ, नीचे भी सब चिकन से इधर ही मिट्टी लगा के लिख दी हूँ चारों ओर से। चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देगी, वहाँ से ही फॉलो कर सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें हम लोग। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।